अरे बेटा टिक लू अरे मास्टर जी संभल के, हम तो हमेशा गिर जाते हैं ना, कितने गिरे हुए हैं आप, चलिए उठिए तीसरी बार ना, बैठिए बैठिए। अरे भाई बेटा, हाँ जी ये बताओ तुम कैसे हो? अरे मास्टर जी अभी तक तो ठीक था ना, अब आगे क्या होगा पता नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हाँ जी भाई, क्या तुमने कभी कोई पूं किया है? मास्टर जी ये पूं क्या होता है? अरे भाई हमारा मतलब पुण्य पुण्य। मास्टर जी पुण्य? अरे कभी गलती से हो गया होगा तो हो गया होगा, दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। गुड बॉय गुड बॉय। अच्छा भाई कभी स्वर्ग जाना चाहते हो? अरे नहीं मास्टर जी, पिताजी ने बोला ट्यूशन से सीधा घर आना, नहीं तो कुटाई होगी ना। गुड पिताजी गुड पिताजी। अच्छा भाई ये कयामत के बारे में तुम क्या जानते हो? अरे मास्टर जी जानता हूँ ना, कयामत बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें अजय देवगन का क्या सॉलिड गेटअप था ना, ऐसे बड़ा बड़ा मूंछे था। अब मैं कयामत फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं कयामत के दिन ढलने वाली बात कर रहा हूँ बेटा। देखो उस दिन भूचाल आएगा, जैसे आसमान से वो बिजली कड़ देगी, कड़ कड़ कड़, जमीन फट जाएगी चट, और ना बहुत कुछ होगा और अंधेरा छा जाएगा। अरे मास्टर जी तब तो ट्यूशन भी बंद होगा ना। अच्छा अपनी कापी निकाल जो कल पढ़ाया था हमने, हर वक्त चपट ना कुछ करता। अरे मास्टर जी ये रहा ना, ये सारा काम किया है। अरे भाई हमने तुम्हें ऐसे एप्पल और बीच में बड़ा एप्पल पढ़ाया था, भाई एक साल में तुमने एप्पल एप्पल बना दिया। अरे भाई बड़ी गलती करते हो तुम्हें। अरे सर सारी गलतियां मैं नहीं करता ना, पिताजी भी आधी गलती करते हैं। अरे भाई कभी जो तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है कभी? नहीं, हमारे इलाके में तो सब बच्चे पैदा होते हैं ना। नीम हकीम हट रहा है जान इसमें और का अर्थ बताओ। ओ हकीम नीम के नीचे मत बैठ, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। नहीं आपको नहीं ना। अच्छा बताओ रेखा और बिंदु में क्या अंतर है? छोड़िए सर। मास्टर जी रेखा और बिंदु में बहुत अंतर है, रेखा जो है वो हीरोइन है, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में कर चुकी है, बिंदु है ना वो भी क्रिएटिविटी नहीं है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ कि तुम किसी चीज के बारे में, यार तुम्हें कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, किसी चीज के बारे में समानता स्पष्ट कर सकते हो मास्टर? अरे मास्टर जी कर सकता हूँ ना, देखिए समाचार पत्र और स्त्री में समानता होती है। समाचार पत्र और स्त्री हमेशा खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, अपेक्षाकृत पतले होते हैं, और हर आदमी के पास अपनी होनी चाहिए, ना कि पड़ोसी से मांगी हुई। एक चीज और कि समाचार पत्र और स्त्री हमेशा ना नहीं होनी चाहिए, पुराने संस्कृत की मांग नहीं होती। कुछ भी करता रहता मास्टर जी, गलत बात है, आपने तो कहा कि हमेशा किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? अरे किताब पढ़ने की चीज होती है, आप इससे मुझे मार रहे हैं। Ha ha ha!